हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एचपी के ब्लॉग पे। हर रोज़ की तरह मैं आज भी इस वीडियो में आप लोगों के जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं फिर से जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया के और एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया में आना चाहते हो, इंडस्ट्री में जॉब हेल्पर के लिए जॉब करना चाहते हो या फिर ITI का जॉब करना चाहते हो या फिर डिप्लोमा जॉब करना चाहते हो, तो ये कंपनी में आप ज़रूर आके कर सकते हो। क्योंकि बेशक यहाँ पर भी कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल में आपको मशीन ऑपरेट करने के लिए ITI पर्सन का ज़रूरत होता है, डिप्लोमा का ज़रूरत होता है और BTech इंजीनियरिंग का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूँगा, बट छोटा सा एक जॉब जो हेल्पर जॉब होता है, इन सब को छोड़ के भी हेल्पर्स के लिए जॉब आपको क्या क्या मिल सकता है जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया में, ये मैं आपको बताऊँगा। कंपनी का नाम है ओटिस, OTIS इवेलेटर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम है, फिर से बता दे रहा हूँ आपको, कंपनी का नाम है ओटिस, OTIS ओटिस इवेलेटर प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी यही जिग्नी इंडस्ट्रियल एरिया में है बेंगलोर का। ये बिल्कुल भी OTIS सर्कल से जाना जाता है और ये OTIS सर्कल जिग्नी से APC सर्कल से थोड़ा ही दूर में, 1.5 किलोमीटर दूरी में है। आप यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा OTIS एविलेटर, यहाँ पे OTIS का नाम पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं एज ए हेल्पर, एज ए ITI पर्सन जो एविलेटर ऑलरेडी मैकेनिकल में हो या फिर फिटर में हो, सॉरी फिटर में नहीं कहूँगा, इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपको वहाँ पे काम मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब कंपनी में ऑलरेडी काम करने के लिए आपको कोई वैकेंसी अलग से नहीं निकलता है। यहाँ पे ये सब कंपनी में आके आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, ये सब कंपनी नहीं कहूँगा, ये OTIS कंपनी में आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। इंक्वायरी करके आपको जॉब के लिए वैकेंसी मिलेगा या फिर आप देख सकते हो जो ऑनलाइन वैकेंसी निकलता रहता है। ऑनलाइन आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो quikr.com में हो सकता है, naukri.com में हो सकता है, indeed.com में हो सकता है, उनके बाद में sign.com में हो सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन जो पोस्ट करते रहता है वहाँ पे आप ट्राई कर सकते, देख सकते हो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ आके आप कंपनी से डायरेक्टली कंपनी पे आके आप पूछ सकते हो। आप सीधा आइए कंपनी में, जाइए और कंपनी के सिक्योरिटी को पूछिए एंट्रेंस गेट में कि यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। आपको पूछा जाएगा कौन से पोस्ट के लिए हो। अगर आप हेल्पर के लिए हो, फैक्ट्री से हेल्पर के लिए हो, तो हेल्पर के लिए आप जॉब वहाँ पे पूछ सकते हो। हेल्पर के लिए आपको मिनिमम कितना सैलरी मिलेगा ये मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप ITI हो, आपको लिफ्ट वगैरह का चलाना आता है, ऑपरेट करना आता है, इंस्टॉलेशन करना आता है, देन वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको रिक्रूट किया जाएगा, अगर आपका नहीं है तो भी आपको रिक्रूट किया जाएगा। बट एज ए उन लोग का ज़रूरत है कि नहीं, पोस्ट वैकेंसी है नहीं, उनका ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप आओगे आपको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले आपको वहाँ पे आकर के पूछना है तो किन से आपको बैठ करना है। सबसे पहले आप जिग्नी में अगर आएंगे, अगर आप OTIS में, अगर आपको लिफ्ट का बारे में कुछ पता है, आपको लिफ्ट ऑपरेट करना होता है या फिर जो एविलेटर जो लिफ्ट जो रेल स्टेशन में या फिर मॉल वगैरह में होता है उसको मेंटेनेंस वगैरह आता है, देन आप यहाँ पे आके काम के लिए पूछ सकते हो। कैसे कहाँ पे पूछना है, सबसे पहले आप आइए, आकर के उन्हें पूछिए कि इनको सिक्योरिटी को पूछिए कि यहाँ पे ITI पर्सन के लिए कोई जॉब वैकेंसी है कि नहीं। अगर है तो वो आपको बता देगा। यहाँ पे दो गेट है, एक बैक गेट है, एक फ्रंट गेट है। एक आपको कालू बालू वाला रास्ता में मिलेगा और एक मेन जो जिग्नी बनकट रोड है वहीं पे मिल जाएगा। तो दोनों गेट में से आप किसी में भी एक में पूछिए सिक्योरिटी को जाके, अच्छा से उन सबसे अच्छा बिहेवियर कीजिए, सिक्योरिटी को थोड़ा प्राउडली मत पूछिए, देन वो आपको बताएगा कि आपका ITI के लिए जॉब पोस्ट वैकेंट है कि नहीं। अगर आपका ITI का वैकेंट नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम कब होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर का अगर नंबर है तो आप कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेके आ सकते हो। तो ये रहा ITI पर्सन के लिए। तो अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट जो हेल्पर्स के लिए। देखिए हेल्पर्स के लिए वहाँ पे ज़्यादातर हमेशा जॉब का वैकेंसी रहता है। जॉब आप हेल्पर्स के लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जाके पूछो। सेम जैसे मैं आपको बताया कि आप हेल्पर्स जॉब के लिए यहाँ पे OTIS में ट्राई कर रहे हो, पूछो सिक्योरिटी से, थोड़ा पोलाइटली बात करो सिक्योरिटी से, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी है कि नहीं। अगर आपको जॉब वैकेंसी है तो आपको बता देगा हाँ जॉब वैकेंसी यहाँ पे है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले आधार कार्ड, फ़ोटो और आपका पैन कार्ड, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ जाकर के आप वहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या पूछ सकते हो। अगर है तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 9 बजे से पहले आपको कंपनी में पहुँचना होगा और इंटरव्यू के लिए अंदर जाना होगा। अगर है देन वो आपको इंटरव्यू कराएगा। इंटरव्यू कराने के बाद में आपको वहाँ पे जनरल शिफ्टिंग होता है, आपका सूटेबल शिफ्ट वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। खाने के लिए शायद वहाँ पे दिया जाता है फूडिंग, बट अकोमोडेशन आपको रहना पड़ेगा। अकोमोडेशन मतलब आपको रूम पे अकेला रहना पड़ेगा। एज वहाँ पे लिमिट आपका 18 साल का ऊपर होना पड़ेगा, 45 ईयर्स तक आपको होना पड़ेगा। नीचे उनका ऊपर शायद नहीं भी ले सकता है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ।
तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता दिया। अभी जाते हैं यहाँ पे, काम कितना घंटा करना पड़ेगा। जनरल शिफ्ट आपको कोई भी कंपनी में जाओ आपको 8.5 घंटा ही करना पड़ता है। अगर शिफ्टिंग हो तो आपका, अगर मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट अगर कर रहे हो देन आपको 8 घंटा करना पड़ता है। ये रहा 8 घंटा, और वहीं पर आपको खाना मिल जाएगा 8 घंटा में, आपको 1 टाइम नहीं तो 2 टाइम खाना मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका डिडक्शन करके, अभी बात करते हैं सैलरी के, आपको सैलरी वहाँ पे कितना मिलेगा। सैलरी आफ्टर डिडक्शन आपको 11,000 मिलेगा, यानी कि 11,000। तो टोटल वहाँ पे आपका फूडिंग के लिए कट होगा, उनके बाद में आपका पीएफ और ईएसआई कट करके आपको 11,000 इनहेड आएगा, या फिर उससे भी ज़्यादा आ सकता है। प्लस आपको ओवर टाइम के लिए आता है, और उनके बाद में एक बोनस के लिए शायद आ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई कंपनी में बोनस देता है ईयरली, कोई कोई नहीं देता है, कोई कोई मंथली देता है ना। तो यहाँ पे लगभग आपको 11,000 मिलेगा, और ओटी का अलग से मिलेगा आपको अगर आप ओटी करते हैं तो। अब कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। ये नहीं कि मैं ये भी बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं कि आप वैकेंसी चल रहा है कि नहीं, बट आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। बट मैं सिर्फ कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिगनी इंडस्ट्रियल एरिया में कौन कौन सा कंपनी में आप काम कर सकते हो। आखिर आप यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम आइए, हो सकता है आपको ओटिस में ना मिले, दूसरा में आप ट्राई कीजिए, हो सकता है वहाँ पे मिले, है ना। तो पहले जो काम मिले आप यहाँ पे आके वही काम कीजिए, चाहे कम पैसा का हो ज़्यादा का हो। धीरे धीरे आप काम में इम्प्रूवमेंट दिखाइए, और वैसे से आप बड़ा होते जाइए। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस पहले बनाओ, उनके बाद में आप दूसरा काम में ढूंढो। चाहे आप कोई भी एग्जीक्यूटिव का काम क्यों ना हो, क्योंकि ये सब कंपनी में एग्जीक्यूटिव भी लिया जाता है जो अच्छा सैलरी होता है, बट डायरेक्टली आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं मिलेगा। आपको धीरे धीरे यही सबसे धीरे धीरे बढ़ते जाना है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। सेम जो ITI पर्सन है उन लोग को भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है देन आप यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ाइए, उनके बाद में आप धीरे धीरे सैलरी के लिए दूसरा कंपनी में ट्राई कर सकती हो। धीरे धीरे आपका नहीं तो यहीं पे सैलरी बढ़ता चला जाएगा। कंपनी का नाम ओटिस एबिलेटर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी यहीं पे जिगनी इंडस्ट्रियल एरिया में है। आप ऑनलाइन भी इसे देख सकते हो इनके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मैं सिर्फ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया कंपनी के बारे में। पहले पिछले 2-3 कंपनी का इन्फॉर्मेशन भी मैं दिया, और अगले आने वाले वीडियो में मैं कंपनी और दूसरा कंपनी, बहुत सारा कंपनी है, इनके बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। बने रहिए मेरे साथ जॉब का रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो में।